हेलो गाइस, स्वागत है आपका शेडो किंग चैनल पे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि हम शुगर केन फार्म जीरो टिक वाला कैसे बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल की नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कर देना। सो गाइस, सबसे पहले हमें कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लॉक्स को हमें कैसे रखना है, जैसे कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर इसको तोड़ देने का, ऊपर आके रिपीटर चाहिए होगा एक हमें, रिपीटर। तो रिपीटर को ऐसे रख देना है कुछ, और यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च और यहाँ पे एक रेडस्टोन डस्ट और एक और डस्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं, छः ब्लॉक रखने अपने को, 1 2 3 4 5 6, और एक ब्लॉक छोड़ के फिर से यहाँ से 6 ब्लॉक रखने, 1 2 3 4 5 6। और फिर क्या करना है, नीचे वाले ब्लॉक तोड़ देने, 1 2 3 4। अबे यहाँ पे नहीं, ये और ये ब्लॉक तोड़ देना है। और रेड स्टोन लेना है, अबे लेना, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक लेके आना है। ये नहीं लगाना था यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। फिर अपने को एक लेना है लीवर लेके अपने को यहाँ आना है, आगे लेके और इसको रख के और बंद कर देना है। यहाँ पे एक और रेड स्टोन लगाना था, मैं भूल गया। उसके बाद में हमें लेना है एक डिस्पेंसर, ध्यान रखना डिस्पेंसर लेना है। 8 चाहिए हमें, 8 डिस्पेंसर चाहिए होंगे हमें। तो डिस्पेंसर को कुछ यूँ रख देना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हमने गलत रख दिया है, ऐसे रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें स्टेयर्स चाहिए होंगे थोड़े से डिस्पेंसर से लाके। अब स्टेयर्स चाहिए हमें, कोई भी स्टेयर्स ले सकते हो आप, कोई भी। यहाँ पे स्टोन के ले लेता हूँ, यहाँ पे क्राउच करके 1 2 3 और 4 ऐसे लगा देना। उसके बाद में हमें ब्लॉक लेना है कोई भी और इसे कवर कर देना है, 4 में, है ना। तो फिर एक काम और करना है, यहाँ पे लेके चेस्ट लेके यहाँ पे एक चेस्ट और यहाँ पे एक चेस्ट रख देना है। फिर हमें हॉपर चाहिए होगा, हॉपर को इस चेस्ट में कनेक्ट करना है, और बाकी 3 हॉपर 4 हॉपर चाहिए होंगे, 3 हॉपर को इसमें कनेक्ट करना है। ध्यान रखना है इस हॉपर में कनेक्ट करना है, इन डिस्पेंसर में कनेक्ट मत कर देना, देख लेना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए होगा डर्ट, DIR डर्ट, डर्ट लेना है हम लोग को, और डर्ट को यहाँ पे लगा देना है, 1 2 3 और 4। उसके बाद हमें चाहिए होगा वाटर बकेट, और वाटर बकेट यहाँ पे चारों में फिल कर देना आपको, 3 और 4। और बाद में 4 बकेट वाटर बकेट लेना है आपको, एक एक करके सब डिस्पेंसर में रख देना है आपको, एक एक करके, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और फिर अपने को दूसरी साइड जाना है, और दूसरी साइड में हमें रखना है 4 खाली बकेट, 1 2 3, ये हो गया और ये 4th, ठीक है। ये हमारा फार्म लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। बाकी उसके बाद में ये कम करने के बाद में फिर आप सबसे पहले ये चला के देख लेना, एक बार इस साइड पानी आना चाहिए, एक बार इस साइड। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप वापस से फार्म बनाने की कोशिश करना है, अगर ये हो रहा है तो फिर रिवर फ्लिक करके हमें चाहिए होगा शुगर केन, ये आ गया शुगर केन। उसके बाद में हमें यहाँ पे 4 शुगर केन लगा देने, 1 2 3 4। उसके बाद में हमें यहाँ पे 4 ब्लॉक और लगाने, 1 2 3 और 4। उसके बाद में हमें रेगुलर पिस्टन लेना है, यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आना है अपने को, नीचे एक टॉर्च लगानी है, उसके बाद एक ब्लॉक, फिर टॉर्च, फिर एक और ब्लॉक, लग जा, अरे भाई लग जा, ऐसे नहीं लगेगा, तो वो ऐसे लग जा। फिर एक टॉर्च लगानी है, और फिर यहाँ पे 4 ब्लॉक लगा देना है, और यहाँ पे रेड स्टोन लगा देना है चारों में, ये चारों कनेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ से ये कवर कर देना है, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ। उसके बाद हमें लेना है, नहीं, ऊपर से भी कवर कर देना है, ताकि ना ये शुगर केन बाहर ना निकल पाए, ऐसे और ऐसे। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे है ना ग्लास पेंस लगा लेना, उस वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्लास पेंस, 1 2 3 4 5 6
सात और आठ लगेंगे। ये हमारा लगभग फार्म कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है और ये लीवर फ्लिक कर देना है। हमारा शुगर केन फार्म चालू हो गया, बहुत ही जल्दी हमें शुगर केन फार्म स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में टाइम लेगा ये, ताकि एक बार स्टार्ट होने का फिर फटाफट फटाफट हमारे पास अभी तीन चार वैसे बहुत जल्दी जल्दी अपने शुगर केन मिल सकते हैं। तो ये जीरो पीक शुगर केन फार्म है, इसका आप कहीं पर भी बना सकते हो, बस इसमें आपको डिस्पेंसर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो इससे आप बहुत सारे शुगर केन फार्म बहुत ही जल्दी ले सकते हो, आपको जरूरत पड़ेगी। शुगर केन फार्म बनाने के हम शुरू शुरू में बनाने की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जैसे इंजेंटिंग टेबल बनाने के बाद में हमें कुछ सेल्स बनानी पड़ती है, तो उसके लिए शुगर केन चाहिए होती है, जिससे कि पेजेस बनते हैं उसके लिए चाहिए होती है। तो ये मतलब बहुत ही सही तरीका है शुगर केन खाने के लिए, और बहुत ही फास्ट भी है। इतनी जल्दी तो शायद अभी तक मतलब 1.16.2 के लिए इससे ज़्यादा फास्ट लगे हो कोई शुगर केन फार्म नहीं। तो ये काम इसीलिए मैंने आपको बताया। तो हाँ गाइस, ये हमारा बन गया शुगर केन फार्म। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल की नोटिफिकेशन बेल उसे दबा देना। तो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।